यूएस इलेक्शंस 2024 में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। मंगलवार यानी 10 सितंबर 2024 को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार एक दूसरे का सामना कर टेलीविजन डिबेट में नजर आए। इस डिबेट का असर इतना बड़ा हुआ कि चुनाव की दिशा ही बदल गई। देखिए, ये मुकाबला डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति यानी कमला हैरिस और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ। दोनों ही अपने अपने पक्ष के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। चुनाव में सिर्फ 2 महीने बाकी है और दोनों नेता लगभग बराबरी के मुकाबले पर हैं। ट्रंप पहले ही कमला हैरिस के अगेंस्ट अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन जैसे इश्यूज को लेकर उनको घेरने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप का इतिहास बताता है कि वो नस्लीय और लैंगिक टिप्पणियां भी करते हैं, जैसे कि उन्होंने इससे पहले कमला हैरिस पर भी किया। पहली बहस के दौरान ट्रंप हैरिस पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आए। ट्रंप ने कहा कि वे मार्क्सवादी हैं, उनके पिता मार्क्सवादी थे। इस पर हैरिस मुस्कुराती नजर आई। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड के दौरान अपने द्वारा किए गए कामों के लिए पर्याप्त श्रेय न मिलने को लेकर भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि हमने महामारी के साथ अभूतपूर्व लड़ाई लड़ी है। दोनों के बीच ये बहस तकरीबन 90 मिनट तक चली और इसका आयोजन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में हुआ। इस बहस का लाइव प्रसारण भी हुआ। प्रेसिडेंशियल डिबेट की खास बात है कि बहस के दौरान कोई दर्शक मौजूद नहीं रहता। बहस की मध्यस्थता न्यूज एंकर कर रहे होते हैं। ये बहस 90 मिनट तक चली और इस दौरान 2 बार ब्रेक भी हुआ। दिलचस्प बात यह है कि दोनों उम्मीदवार पहली बार एक दूसरे के सामने आए, वो भी पेंसिल्वेनिया में एबीसी न्यूज के डिबेट में। इसका मतलब है कि मुकाबला काफी गर्म हो सकता है। जैसा कि चक शुमर ने पहले भी कहा, ये डिबेट इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। पॉपकॉर्न निकाल लीजिए। कमला हैरिस, जो अमेरिका की पहली महिला अश्वेत और दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति हैं, इस डिबेट की तैयारी के लिए 5 दिन से होटल में ही रुकी। सुनने में आया कि उनके एक सहयोगी ने ट्रंप जैसी ड्रेस पहनकर उनकी तैयारी में मदद की, ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप से सामना करने के लिए तैयार हो सके। वहीं ट्रंप ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा रिलैक्स्ड अप्रोच ही अपनाया। वो कुछ घंटे पहले ही फिलाडेल्फिया पहुंचे। हालांकि इस डिबेट में पिछले सालों की तरह शोर शराबा शायद न हुआ। इस बार एक और नियम बदला, जिसमें दोनों के माइक्स तब तक म्यूट रहे जब तक वो बोल नहीं रहे हो। ये व्यवस्था खास ट्रंप की टीम की मांग पर ही की गई। लेकिन ये डिबेट फिर भी एक निर्णायक पल हो सकता है। एक तरफ कमला हैरिस पूर्व प्रोसिक्यूटर भी रही हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को एक कोल्ड अंदाज में जवाब देने के लिए जानी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अमेरिका की राजनीति में सबसे कड़े मुकाबले करने वाले नेता के तौर पर भी जाना जाता है। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक रेडियो इंटरव्यू में कहा, उनके लिए नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है। वो शायद इस डिबेट में भी कहीं झूठ बोलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस डिबेट का क्या असर पड़ता है। अमेरिकी वोटर्स भी इस डिबेट को काफी करीब से फॉलो करते हैं। क्या कमला हैरिस इस डिबेट से अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगी, या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बाजी मार जाएंगे?